बूढ़े भक्त और भगवान की कहानी। एक आदमी जो जीवन भर राम नाम जपता रहा, अब वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा ही नहीं हुआ था, बल्कि इतना कमज़ोर हो चुका था कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे के उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। वो पूरा दिन मन से राम नाम लेता रहता। राम नाम की वजह से उसे अपनी तकलीफों को सहन करने की शक्ति मिलती। बूढ़े हो चुके इस आदमी को दो बेटे थे जो उसे नित्य कर्म करने में मदद करते। शुरू में वो बिना कहे ही खुद अपने बूढ़े बाप की सहायता कर दिया करते। फिर धीरे धीरे जब बाप खुद बुलाता तब आते। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो वो दो तीन बार पुकारने के बाद भी मुश्किल से आते और कभी कभी रात को ना भी आते। अब हालत ऐसी हो चली थी कि अक्सर बूढ़ा बिस्तर गंदा कर दिया करता और जब तक उसके बेटे से सहायता ना मिलती ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़ा रहता। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उसकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने राम नाम का साथ नहीं छोड़ा था। एक बार बूढ़े को नित्य क्रम करना था, उसने आवाज़ लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य क्रम करवा कर उसके बिस्तर पर लिटा दिया। यह अब रोजाना होने लगा। जब भी बूढ़ा आवाज़ देता अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसके सारे काम कराकर वहां से चला जाता। नज़र कमज़ोर हो चुकी थी, देखकर बूढ़ा उसे पहचान नहीं पाता था। लेकिन बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे नहीं हो सकते और वह स्पर्श भी उनके बेटों का नहीं था। एक दिन जब बूढ़े आदमी ने अपने नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ आखिर तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते? बूढ़े के सवाल के साथ उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहाँ पर दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था, वही बूढ़ा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। जिस भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेता रहा उसे अपने पास पाकर बूढ़ा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य कर्म करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है। बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त ही क्यों नहीं कर देते? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी भक्ति संभव नहीं है? यह सब पारबद्ध की वजह से है। तुम्हारा पारबद्ध बहुत कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें पारबद्ध को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए
तुम्हें खुद तुम्हारा पारबद्ध काटकर मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूँ, भगवान ने कहा। इतना बोलकर भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। कुछ महीने और काफ़ी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिली। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियाँ पढ़ के ही लोगों की भगवान में आस्था बनी रहती है और हमें भगवान में आस्था बनाई भी रखनी चाहिए। देखिए, इन वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अगर आप एक लाइक कर देंगे या एक कमेंट कर देंगे